अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का लेक्चर है सिलेक्टिंग का फॉन्ट। तो इसमें हम स्टडी करेंगे फॉन्ट स्टाइल के बारे में, फॉन्ट साइज़ के बारे में। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है फॉन्ट। अपने अपने असाइनमेंट को एक अच्छा लुक प्रेजेंट देने के लिए आपको फॉन्ट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो फॉन्ट नॉर्मली ये होम टैब है, होम टैब में ये फॉन्ट स्टाइल आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जिसमें आपने फॉन्ट अप्लाई करना है उस पैरे को या उस अल्फ़ाबेट को या इस वर्ड को पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे फॉन्ट स्टाइल। तो ये फॉन्ट स्टाइल पे आप क्लिक करें तो आपको ये देखिए लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है आपको। जैसे जैसे आप किसी फॉन्ट पे मूव करते हैं तो आपको ये लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है। तो जो करंट ऑफिस में ये ऑप्शन है कि आप के एक वर्ड की फॉर्मेटिंग करते हैं तो आपको ये लाइव प्रीव्यू दिखाता है। तो लाइव प्रीव्यू को अगर आप नहीं देखना चाहते, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो देखिएगा ये फाइल, फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल। जनरल में जाएंगे, जनरल के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनेबल लाइव प्रीव्यू। तो इसको अनचेक कर देंगे। जैसे ही आप अनचेक करेंगे तो ये अप्लाई हो गया। अब देखिएगा फॉन्ट साइज में जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट अभी आपको लाइव प्रीव्यू दिखा रहा। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तब इस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो ये देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इट्स मीन आपको लाइव प्रीव्यू दिखा रहा। अब आप जस्ट ही आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं जिस फॉन्ट स्टाइल पे, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं दोबारा जाता हूँ फाइल, फाइल में ऑप्शन, ऑप्शन में जनरल, जनरल में ये अनेबल लाइव प्रीव्यू, इसको चेक कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे तो ओके का बटन प्रेस करें तो ये अप्लाई हो गया। अब फिर देखिएगा, ये देखें लाइव प्रीव्यू आ रहा है। अच्छा, ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये टू कैटेगरी पर मुश्तमिल होता है। ये जितने भी फॉन्ट स्टाइल हैं टू कैटेगरी में मुश्तमिल होता है। उसको पहला फर्स्ट कैटेगरी है सेरिफ और दूसरा कैटेगरी है सैंस सेरिफ। तो ये देखिएगा, इसमें डिफरेंस किया है जो सेरिफ, तो इसमें दो अल्फ़ाबेट हैं एफ, दोनों एफ हैं। इसमें देखें डिफरेंट, इसमें फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये देखें ये एरियल है, इसमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हुआ, एरियल। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा इस पर फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट हुआ है बेल एमटी। तो मैंने अभी दो कैटेगरी बताई हैं, एक सेरिफ, दूसरा सैंस सेरिफ। सेरिफ जो होता है, जो नॉर्मली वो जो कोई भी अल्फ़ाबेट या लेटर है वो उस एंड पे जो होता है उसकी शेप बनी होती है या उसका कोई स्टाइल बना होता है या कोई सिंबल बनी होती है, तो वो सेरिफ कहलाता है। जैसे ये देखिएगा ये एफ़ मैंने लिखा हुआ है, तो ये देखिएगा ये जो है एफ़ के ये यहाँ पे स्टाइल बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ये, तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे ये सेरिफ। यानी जो भी कोई आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं जिनके जो अल्फ़ाबेट में कोई एंड पे कोई स्टाइल या विद सिंबल वो अल्फ़ाबेट बने हों, तो उसको हम कहते हैं सेरिफ। तो सैंस सेरिफ, सैंस का मतलब होता है विदाउट,
यानी विदाउट सेरिफ, तो यानी ये सिंपल है, इसमें कोई सेरिफ अप्लाई नहीं हुआ हुआ। तो ये देखिएगा, इसमें कोई स्टाइल, इसमें ऐसा कोई स्टाइल नहीं है, आप ये सिंपल है। तो ये सेंस सेरिफ, जो सेंस सेरिफ जो ये फ्रेंच का वर्ड है, तो इसमें आपको मैंने बताया कि ये जो फॉन्ट स्टाइल है, ये दो कैटेगरी में होता है। पहला है सेरिफ, दूसरा सेंस सेरिफ। सेरिफ में ये होता है कि आपको ये जो भी अल्फ़ाबेटिक होता है उसका ये एंड पे सिंबल या स्टाइल से बना होता है। और सेंस सेरिफ, सेंस का मतलब होता है विदाउट, तो विदाउट सेरिफ तो वो सिंपल होता है। तो नेक्स्ट ये देखिएगा, अब फ़ॉन्ट स्टाइल, तो आप ये फ़ॉन्ट स्टाइल अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आपको लाइव प्रीव्यू भी दिखा रहा है, तो इस ऑप्शन की बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले या अप्लाई करने से पहले आप इस फ़ॉन्ट को लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये देखिएगा, लाइव प्रीव्यू हो रहा है, तो ये देखिएगा लाइव प्रीव्यू। आपने ये इस पैराग्राफ में ये किया आपने आहरोनी, ये करने के बाद आप कहते हैं यही फॉर्मेटिंग जो है ये आप इस पैरा में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने फॉर्मेट का बटन प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद आप यहाँ से इस पैरे को सेलेक्ट कर लेंगे, माउस के लेफ़्ट बटन को आपने प्रेस करके रखना है, फिर माउस से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपने माउस को छोड़ देना है, लेफ़्ट बटन को छोड़ देना है। तो ये देखिए, वही जो फॉन्ट है, जो यहाँ पे फॉन्ट है, वही फॉन्ट फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हुआ है। तो ये देखिए, जितना भी प्रोसीजर मैंने ये माउस के थ्रू किया है फॉन्ट स्टाइल का, तो अगर हम ये कीबोर्ड से करना चाहें कि हम माउस की ज़रूरत ना पड़े, तो अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो, और ये ऑप्शन भी सिर्फ जो करंट ऑफिस हैं उनमें ये ऑप्शन है, आप कीबोर्ड के थ्रू आप फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, टैब में जाएंगे, सबसे पहले आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है। ऑल्ट का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए ऊपर अल्फ़ाबेट शो हो गए हैं, जैसे ये होम है उसके आगे एच लिखा आ गया है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट मेन, उसके आगे वाई लिखा हुआ है। इंसर्ट के आगे एन लिखा हुआ है। पेज लेआउट के आगे पी लिखा हुआ है। और रेफरेंस के आगे एस है। और मेलिंग के आगे एम है। रिव्यू के आगे आर। और व्यू के आगे डब्ल्यू। तो आपने फॉन्ट साइज में जाना है तो वो होम में, तो इसका मतलब इट्स मीन आपने एच प्रेस करना है। जैसे ही आप एच प्रेस करेंगे, फर्दर अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक शो हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे फॉन्ट साइज में हमने जाना है, यहाँ पे डबल एफ आ रहा है, तो ये देखिएगा डबल एफ। तो आपने एफ़ को 2 टाइम स्पीडली प्रेस करना है, तो जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ये फॉन्ट में आ गए। तो आप फॉन्ट जो है, आप एरो की से डाउन एरो की आप नीचे प्रेस करना है। डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आपको ये लिस्ट आ गई फॉन्ट स्टाइल की। तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, मैं कहता हूँ ये स्टाइल हो जाए, तो ये स्टाइल हो गया, टाइम रोमन, टाइम न्यू रोमन, ठीक है। तो आर्ट एच एफ एफ, तो अगर आपने, आप चाहते हैं कि आपको फॉन्ट स्टाइल का, आपको एक ही फॉन्ट स्टाइल या कुछ ऐसे फॉन्ट स्टाइल जो आपको, आप उसको लाइक करते हैं और आप उसको फास्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं उस फॉन्ट को अपने टेक्स्ट में, तो जस्ट आपने जो आपको फॉन्ट याद है, जो जिस फॉन्ट का आपको पता है, तो आपने यहाँ पे फॉन्ट के अल्फ़ाबेटिकल स्टार्ट अल्फ़ाबेटिकल लिखने हैं। मैं लिखता हूँ टी ए, तो ये देखिएगा टी ए लिखने से ये फॉन्ट आ गया तहोना। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ,
तो ये देखिए फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कीबोर्ड की मदद से, मैं ए आर लिखने के बाद देखिए एरियल आ गया। मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो वो एरियल चेंज हो गया। ए एल जी जैसे लिखता हूँ तो ये फॉन्ट सेलेक्ट हो गया, तो ये आ गया। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे CALIBRI, कैलिब्री। जैसे ही आपने कैलिब्री सेलेक्ट किया तो ये फॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये है, जब भी आप वर्ड की फाइल ओपन करते हैं उसमें आप स्टार्ट से टाइप करना शुरू करते हैं तो उसमें जो फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिब्री डिफ़ॉल्ट होता है। यानी 2010 की ऑफिस में नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉन्ट साइज़ वो कैलिब्री होता है। तो उसके बाद आप अपने फॉन्ट को अपने स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। नाउ वी लर्न सेलेक्टिंग अ फॉन्ट साइज़। तो ये देखिएगा फॉन्ट साइज़, ये फॉन्ट साइज़ है। तो ये नॉर्मली आपको शो हो रहा है 8x72। इट्स मीन ये जो पॉइंट्स जो आपको ये शो हो रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1x72 तक शो होते हैं। इसका मतलब है 72 पॉइंट अगर फॉन्ट साइज़ हो तो वो 1 इंच के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ ये साइज़ है, मैं इसका साइज़ 72 कर देता हूँ, इट्स मीन ये 1 इंच के बराबर होता है। दिस मीन द फॉन्ट ऑफ दिस साइज़ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 इंच टॉल। तो ये जो फॉन्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये फॉन्ट आप तकरीबन लिख सकते हैं 1x1638। यानी आप 1 से लेकर 1638 तक आप कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं। ठीक है, ना इससे कम फॉन्ट आप दे सकते हैं ना इससे ज़्यादा दे सकते हैं। तो मैं देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन। सबसे पहले आपको टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, जितनी भी फॉर्मेटिंग है वर्ड में स्पेशली आपका सेलेक्ट टेक्स्ट होना चाहिए। यानी टेक्स्ट जो है वो हाईलाइटेड होना चाहिए, फिर ये फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो पहले आपने कोई अल्फ़ाबेट या वर्ड या पैरा आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आपने इन ऑप्शंस पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे 1638 लिखता हूँ, 1638। तो जैसे ही मैं लिखूँगा 1638 तो इसका साइज़ देखें, टू मच लार्ज। इट्स मीन ये प्रिंट में भी पूरा नहीं आएगा। ठीक है, तो टू मच लार्ज साइज़ है। तो ये मैंने आपको दिखाना चाह रहा था कि आप जो फॉन्ट साइज़ हैं वो 1 से लेकर 1638 तक आप साइज़ लिख सकते हैं। तो लेकिन जैसे ही अब मैं ये देखिए साइज़ चेंज करता हूँ यहाँ पे 1639 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिएगा द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो आप इसके दरमियान में या इतने तक, इसकी रेंज तक आप फॉन्ट साइज़ जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको फॉन्ट साइज़ को थोड़ा वापस ले आता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, जैसे पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, कंट्रोल जी, अंडू और रीडू की ऑप्शन को मैंने अप्लाई किया यहाँ पर। तो मैंने कंट्रोल जी किया है तो वो दोबारा अपनी अपनी वापस पोजीशन अपनी वापस पोजीशन पे आ गया है। तो ये देखिएगा, अब साइज़ पे आ जाते हैं, साइज़ की बात हो रही थी। जैसे ही आप जिस पे क्लिक करेंगे साइज़ पे, वो देखिए लाइव प्रीव्यू चल रहा है। अभी मैंने इसको क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस से मूव कर रहा हूँ। मूव करने के साथ जैसे ही मूव करता हूँ तो साइज़
उसका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये साइज़ उस पर इम्प्लीमेंट होना हो जाएगा। तो ये इससे पहले आपको मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि अक्सर जो स्टोन्स होते हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं उसको टेक्स्ट को हाईलाइट करने करने से पहले ही है। अगर आप एक वर्ड पे फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, वर्ड को सिलेक्ट करें, पैराग्राफ पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं पूरे पैरे में तो उसको सिलेक्ट करें, अगर आप एक अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो पहले उसको सिलेक्ट करके उसकी फॉर्मेटिंग करें। तो अब ये तो मैंने माउस की मदद से आपको बताया कि कैसे हम माउस की हेल्प से आप फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अब कीबोर्ड के पास जो है नॉर्मली ALT ऑल्ट का बटन होता है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करना है, ये स्पेस के साथ होता है। तो ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिएगा होम होम पे जाएंगे, होम के नीचे एच लिखा हुआ, आपने एच को प्रेस करना है, इसमें फर्दर ऑप्शन आ जाएगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, FS। तो आपने स्पीडली यानी FS को इकट्ठा ही प्रेस करना है, सबसे पहले F फिर S, लेकिन स्पीडली प्रोसेस करना है। तो आप FS प्रेस करेंगे तो ये देखिए वो सिलेक्ट हो गया। अब आप एरो की जो डाउन एरो की उसको प्रेस करेंगे, तो जैसे ये आपके पास ऑप्शन आ गई, अब इसको फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 72, ये 72 पे ये इसका फॉन्ट साइज़ चेंज चेंज हो गया। तो ये देखिएगा बटन फॉन्ट साइज़ के साथ ग्रो फॉन्ट, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। मैं और प्रेस करता हूँ फिर और इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको कहेंगे इंक्रीजिंग ट्रेंड। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करते जाएंगे तो इसका फॉन्ट जो है वो ग्रो होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसके साथ जो बटन है इसको मैं प्रेस करूँगा तो नीचे लिखा आ रहा है श्रिंक फॉन्ट, तो ये फॉन्ट को डिक्रीज़ करेगा। देखिए मैं प्रेस करता हूँ वो डिक्रीज़ हो गया, फिर मैं प्रेस करता हूँ वो उतना ही श्रिंक होता जा रहा है। तो शॉर्टकट की देखिए, जैसे इस पे मैंने ये रखा है तो इस पे शॉर्टकट की नीचे शो हो रहा है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एरो। तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और फॉरवर्ड एरो को आपने क्लिक करना है। तो आप जितनी बार उसको क्लिक करते जाएंगे फॉरवर्ड एरो को, वो उतना ही इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन मार्क के साथ और एम अल्फ़ाबेटिक और क्वेश्चन मार्क उनके दरमियान में ये दोनों बटन होते हैं, फॉरवर्ड एरो और बैक एरो। आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और आपने क्लिक करना है बैक एरो को, तो ये फॉन्ट साइज इसका डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर यहाँ पे तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एरो है, आप शिफ्ट ही बता रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपके कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक जो न्यूमेरिक लिखे हुए हैं उनके ऊपर जो है वो सिंबल हैं जो कि उस सिंबल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको शिफ्ट की बटन की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह अगर आप इस फॉरवर्ड एरो और बैक फॉरवर्ड के बटन को देखेंगे तो नॉर्मली इस बटन के ऊपर बैक फॉरवर्ड के जो बटन के ऊपर जो उस बटन पे जो फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट है अगर खाली प्रेस करेंगे तो वो कोमा कोमा लिखा जाएगा, और अगर फॉरवर्ड एरो को अगर प्रेस करेंगे तो वो फुल स्टॉप है। ठीक है, तो जो एरो है वो इसके ऊपर है, तो इस बटन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें शिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे, फिर फॉरवर्ड एरो को क्लिक करेंगे, जितना अगेन एंड अगेन क्लिक करते जाएंगे उतना ही वो क्या फॉन्ट ग्रो करेगा, और आप बैक को क्लिक करते जाएंगे उतना ही फॉन्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। अब तो ये था, हमने शॉर्टकट की स्टडी की है।
फॉन्ट ग्रो, इसकी शॉर्टकट की, और इसकी शॉर्टकट की हमने स्टडी की है फॉन्ट श्रिंक। तो अब देखिए ये फॉन्ट जो साइज़ है इसकी शॉर्टकट की, तो आप कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और लार्ज जो है ब्रैकेट उसको प्रेस करेंगे, लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो ये आपका साइज़ क्या स्मॉल होता जाएगा। तो ये देखिएगा साइज़, आप ऊपर देखिए प्रीव्यू साइज़ जहाँ फॉन्ट साइज़ है वहाँ देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, 26 है 25 हो गया। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल लार्ज ब्रैकेट जो है एंड को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए साइज़ चेंज हो रहा है, आप देखिएगा फॉन्ट साइज़ को भी, तो वो देखिए इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये लार्ज ब्रैकेट नॉर्मली जो है वो अल्फ़ाबेट पी जो है उसके आगे ये ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं। तो अभी हमने शॉर्टकट की स्टडी की है, ग्रो फॉन्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड एरो, और फॉन्ट श्रिंक की हमने जो शॉर्टकट की स्टडी की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट बैक एरो। तो हमने फॉन्ट साइज़ की जो शॉर्टकट की स्टडी की है उसमें है कि साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, तो सेकंड है फॉन्ट साइज़ को इनक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस लार्ज ब्रैकेट एंड, उसको क्लिक करते जाएंगे तो आपका ये फॉन्ट साइज़ चेंज होता जाएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था फॉन्ट के ऊपर, तो इंशाल्लाह फॉन्ट का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर जो है जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और बाकी ये फॉन्ट के टूल्स हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि फॉन्ट किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।